हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल विनय एंड ईशा पे। तो आज आप देखेंगे मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। मैं ऑलरेडी फ्रेश हो चुकी हूँ और विनय और विनीशा दोनों सोए हुए हैं अभी। और विनीशा को मैं ऑलरेडी फीलिंग करवा के आ चुकी हूँ। सुबह के 6 बजे है और सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत होती है कुकिंग के साथ। जी हाँ, मैं कुकिंग फटाफट बना लेती हूँ लाइक मॉर्निंग में, ताकि दिन में मुझे कोई टेंशन नहीं हो। और मैं 2 टाइम का खाना, दैट इज मॉर्निंग और इवनिंग, वो एक साथ ही, पूरा ब्रेकफास्ट एक साथ ही मैं बना लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार टेंशन नहीं रहे किचन में आके बनाने के लिए। सो अभी मैं एक मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ, सोयाबीन और ब्रोकली एंड कैप्सिकम। विनय और विनीशा भी सोए हुए हैं और विनय का आज वीक ऑफ है, सो मैं नहीं चाहती हूँ विनय उठे। आई वॉन्ट हिम टू रेस्ट। विनय मुझे बहुत हेल्प करते हैं लाइक हर एक हाउस होल्ड चोर्स में। लाइक इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग, बट हम लोग हमारे जो चोर्स है वो शेयर करते हैं राइट फ्रॉम डे वन। एंड आई एम ग्लैड दैट विनय इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे वो मेरे साथ मतलब हेल्प करना हो या फिर विनीशा की देखभाल करना हो। ही डज बोथ वंडरफुली वेल। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मेरा कुकिंग मैं फास्ट कर लेती हूँ, बिकॉज फिर मुझे पूरा दिन फ्री होने को मिलता है। आई डोंट कीप कुकिंग होल डे, मुझसे नहीं हो पाता। सो आई जस्ट कुक एवरीथिंग इन वन गो, लाइक ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ एग ऑमलेट, और उसी के साथ जैसे मैंने आपको लंच और डिनर में बताया, तो सेम ही है। मतलब लंच और डिनर में सब्ज़ी है, जो कि है सोयाबीन मसाला, एंड उसके साथ है ब्रोकली एंड कैप्सिकम एंड चपाती। सो ऑलमोस्ट 15 चपाती मैंने बना दिया है। तो कभी कभी एक्स्ट्रा चपातीज भी रह जाती है, जो मैं नेक्स्ट डे हम लोग खा लेते हैं गर्म करके। तो ये हो गया फुल डे का मेरा लंच डिनर और सब कुछ। सो मुझे ये मॉर्निंग कुकिंग की हैबिट एक्चुअली मेरी अम्मा से लगी है। अम्मा मतलब मेरी मदर इन लॉ, मैं उनको अम्मा ही बोलती हूँ। सो मैंने उनको ऑब्जर्व किया जब मैं शादी करके आई थी। शी यूज्ड टू गेट अप एट 5:30 और वो इमीडिएटली सब बनाती थी और तुरंत 8 o'clock को वो निकल जाती थी जॉब पे। तो वही हैबिट अभी मुझे भी लगी है, और उनके साथ जो हैबिट्स थे उनके जैसे सब कुछ फटाफट सेट करके निकलना, वही चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। और मेरी मम्मी भी सेम वैसे ही करती थी, वो भी वर्किंग लेडी ही है, तो वो भी अर्ली फटाफट बनाती थी। बस फ़र्क इतना था, मेरी मॉम को 11 o'clock का जॉब था, मेरी जो मदर इन लॉ है उनका 8 o'clock को मॉर्निंग में था। सो काफ़ी डिफरेंस था वो इसमें। बट आई थिंक अगर आप इनिशियली लाइक आप सुबह उठ के सारे काम कर लेते हो ना, फिर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और स्पेशली अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी हो तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए पूरा मैनेज करने के लिए। वरना क्या हो जाता है, हम दोपहर को खाना बनाते हैं तो थोड़ा लेज़ी हो जाता है, कंटाला आ जाता है कभी, या फिर मन नहीं करता वापस करने के लिए, तो प्रोडक्टिव दिन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली वर्किंग मॉम्स के लिए। अगर आप वर्क कर रहे हो, आपको सब कुछ हैंडल करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कभी जॉब नहीं छोड़ा, मैंने कंटिन्यू किया, मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी किया, जस्ट मेरे डिलीवरी के टाइम पे मैंने 5 डेज़ के लिए ऑफ लिया। मैंने उससे ज़्यादा कभी छुट्टी नहीं ली, बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वॉन्टेड टू कीप वर्किंग, मुझे गैप नहीं चाहिए था। और मेनली लाइक मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो मुझे कोई इतना इशू नहीं है। बट येस, मेरा जो रूटीन है मतलब वर्किंग का, वो काफ़ी है। मतलब 7 घंटा 8 घंटे का मेरा काम रहता है पूरे दिन में, जो मैं आराम से कर लेती हूँ अच्छे से मैनेज। और उसी के साथ साथ मैं विनीशा और विनय के साथ भी हम शाम को हमेशा मेक श्योर करते हैं कि हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, ये हमारी एक हैबिट है। तो इनिशियली 1 month तक मैंने रेस्ट लिया था, लाइक आफ्टर डिलीवरी मैंने काफ़ी आराम किया, सब विनय ही करते थे तभी। बट अभी मैंने शुरू कर दिया है लाइक आफ्टर 1.5 months थोड़ा बहुत अच्छे से करना, बिकॉज मैं थोड़ा एक्टिव रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता था लाइक करने के लिए। थोड़ा बाहर जाती हूँ वॉकिंग के लिए, फिर अभी तक मैंने जिम नहीं स्टार्ट किया है, बट घर पे ही मतलब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो मुझे काफ़ी पसंद है घर पे एक्सरसाइज करना। मतलब थोड़े बहुत आसना मैंने शुरू कर दिए हैं, और उसी के साथ मैं डाइट भी कर रही हूँ। तो डाइट मेरा जो है वो एक सिंपल मंत्र जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं ज़्यादा तीखा खाना नहीं बनाती हूँ, बिकॉज मैं जब भी तीखा खाना बनाती हूँ मुझे प्रॉब्लम होता है। मेनली जो हमारा ये रहता है डाइजेशन सिस्टम रहता है वो अच्छा नहीं रहता अगर हम ज़्यादा तीखा खाते हैं। और ऐसा सजेस्ट किया था, मेरी मम्मी ने भी मुझे बोला था, मेरी अम्मा ने भी मुझे बोला था कि तीखा खाना ज़्यादा मत खाना जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो। तो मैं तो अवॉइड करती हूँ लाइक तीखा खाने के लिए, मुझे तीखा एक्चुअली पसंद भी नहीं है ज़्यादा। मतलब बीइंग महाराष्ट्रियन लोगों को लगता होगा कि ये तो मराठी लड़के, इसको तो बहुत ज़्यादा तीखा पसंद रहेगा, बट नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है तीखा खाना।
और यस, ये थोड़ा वियर्ड है बट मुझे बचपन से तीखा खाना नहीं पसंद है ज़्यादा। और अभी मुझे क्लीनिंग मेरा एक बार सब हो गया तो मुझे कैसा अच्छा लगता है, लाइक काफ़ी। एक्चुअली मैं रुकी हूँ कि विनीशा कब उठने वाली है। विनीशा जैसे ही उठेगी तो फिर उसके बाद उसके साथ थोड़ा खेलूँगी और फिर उसका फीडिंग सेशन रहेगा। अभी वो बहुत छोटी है तो उसके साथ मैं और उसके पापा हम पूरा अटेंशन उसको देते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी जो बेबीज़ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा समय आपको बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है जब वो छोटे रहते हैं। चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, ना ही सिर्फ मदर के लिए। जब मैं विनय को देखती हूँ विनीशा के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो जस्ट मतलब उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, ही डज़ एवरी थिंग फॉर हिज डॉटर। और हर एक पापा करते होंगे, नो डाउट इन दैट। बट जब आप देखते हो एज अ मदर आपके हस्बैंड को फादर बनते हुए, वो एक फीलिंग ही अलग रहती है जो रोज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। मदरहुड ने मुझे बहुत सारे चैलेंजेस भी दिए, लाइक हर एक चीज़ मैनेज करना, बच्चे को संभालना। बट ट्रूली ये सब चैलेंजेस से एक लाइफ में सीख मिलती है और डिटर्मिनेशन भी रहता है, और उसी के साथ साथ आप अच्छे से मैनेज करना, घर को कैसे मैनेज करना है प्रॉपरली, सब कुछ कैसे करना है वो आप सीख जाते हो। तो जैसे ही बेबी आता है, आप क्लिनलीनेस तो आप पहले से ही रखते हो बट बेबी आने के बाद और भी ज़्यादा रखते हो, तो वो एक चेंज तो ज़रूर आ जाता है। और उसी के साथ साथ एक बोलते हैं ना, अंदर से एकदम खुशी रहती है, आप हमेशा रौनक रहती है आपके फेस पे। वो अलग बात है कि हम थोड़ा सो नहीं पाते हैं रात को। सो जनरली लाइक बेबी को इनिशियली, मेरा जो फर्स्ट मंथ था तभी मुझे फीडिंग के टाइम पे, मतलब विनीशा बार दो दो तीन तीन घंटे में फीडिंग लेती थी, बट आफ्टर 1 मंथ थोड़ा उसका पैटर्न चेंज हो गया। मतलब 5 आवर्स सोने लग गई, 6 सोने लग गई। तो मैंने डॉक्टर को पूछा था बट डॉक्टर ने मुझे बोला डोंट वरी, वेट गेन हो रहा है, सब हो रहा है, तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली मेरा फर्स्ट मंथ स्लीपिंग पैटर्न मतलब कुछ अच्छा नहीं था, मैं सो नहीं पाती थी ज़्यादा, बट आफ्टर फर्स्ट मंथ मैं थोड़ा सोने लग गई लाइक एट नाइट। तो जब भी लाइक विनीशा सोती है मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग में सब कुछ फटाफट 2 घंटे में कर लेना, 6 to 8। तो 6 to 8 मेरा एक सबसे क्रूशियल टाइम है। 6 to 8 में मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ, बिकॉज उसके बाद जब विनीशा उठ जाती है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रात को वो पीसफुली सोती है बट जैसे ही मॉर्निंग में उठती है वो तुरंत 2 2 घंटे में उसका फीडिंग स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत सोती नहीं है। लाइक मुझे उसके साथ रहना पड़ता है, झुलाना पड़ता है उसको, फिर सोती है। और मुझे बाद में वर्क भी करना रहता है, लाइक जैसे मैंने आपको बताया आई एम वर्किंग, तो मेरा 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो उसके पहले मुझे मेक श्योर करना रहता है कि सारा घर, पूरा घर मतलब सेट है, मैंने कर दिया है। तो विनय तो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करते ही है, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बट उसी के साथ साथ एक सेल्फ टाइम भी होता है जो मुझे थोड़ा मिल जाता है, मुझे अच्छा लगता है वो सेल्फ टाइम। मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ, थोड़ा योगा कर लेती हूँ। और टीवी मैं जनरली नहीं देखती हूँ इतना, अगर मुझे कभी देखना हो तो मैं लैपटॉप में ही देख लेती हूँ, लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स देख लेती हूँ मैं। और विनीशा और उनके पापा अभी भी सोए हैं, विनीशा हमेशा यही पोजिशन में सोती है, हैंड्स अप अभी तक सोई है। मैं चेक करते रहती हूँ वो क्या कर रही है, उठी है कि नहीं उठी है, क्या कर रही है। एक माँ का दिल ऐसे ही होता है ना, हमेशा उनके छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं जाके देखो, वही चीज़ मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी मैं क्लीनिंग करने वाली हूँ, सो ये पूरा घर अभी मुझे क्लीन करना है। तो अभी मैं मॉप नहीं करने वाली हूँ, बस क्लीनिंग करने वाली। मॉपिंग मैं बाद में करूँगी क्योंकि विनीशा और विनय अभी सोए हुए हैं, तो जब वो उठ जाएंगे तो वो रूम के साथ सारे रूम्स में कर दूँगी, फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। सो यही वो स्ट्रोलर है जिससे हम लेके जाते हैं, प्रैम, सॉरी स्ट्रोलर नहीं, मुझे भी एक्चुअली प्रैम और स्ट्रोलर में फ़र्क नहीं पता था। तो प्रैम मतलब ये होता है, प्रैम न्यूबॉर्न्स के लिए होता है, मतलब 0 to 6, 3 to 6 न्यूबॉर्न नहीं होते हैं, बट यूजली जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 0 to 6, उनके लिए जो यूज़ किया जाता है उसे प्रैम बोलते हैं, उनके लिए ही बनाया गया रहता है। और जो स्ट्रोलर होता है वो सीटिंग लेवल पे रहता है जो टॉडलर्स के लिए बनाया जाता है। तो ये डिफरेंस भी मुझे कुछ समय पहले ही पता चला था एज अ फर्स्ट टाइम मॉम। और ये अभी किचन भी पूरा क्लीन हो चुका है, और उसी के साथ साथ अभी नेक्स्ट मैं बालकनी भी क्लीन कर रही हूँ।
सो यहाँ पर ही मैं कपड़े भी सुखा देती हूँ। तो अभी तक वॉशिंग मशीन मैंने डाला नहीं है, बिकॉज़ जब विनय और विनीशा उठेंगे, उनका बात होगा, तभी ही मैं वॉशिंग मशीन डालूँगी और फिर कपड़े भी सुखा दूँगी, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी बस मैं पूरा रूम सेट कर रही हूँ, ये मेरी चेयर है जिससे अभी मैं वर्क चालू करूँगी, तो मैं उधर ही बैठ के करने वाली हूँ। तो बस अभी घर पूरा सेट हो चुका है और बाद में डीप क्लीनिंग होगा, अभी नहीं। मैं मोस्टली 3-4 बजे ही मॉपिंग करूँगी, नॉट नाउ, और मे बी 4-5 बजे भी, क्योंकि अभी हम खाएंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, तो उससे बेटर है मैं बाद में ही करूँ। तो अभी बस पूरा घर सेट हो चुका है और अभी मैं राउंड टू करने वाली हूँ विनीशा पे चेक करने के लिए, और ये विनीशा उठ गई इतनी प्यारी सी स्माइल देगी, इधर उधर देखेगी, पूछो मत, मुझे तो जैसी उठती है सबसे क्यूटेस्ट साइट यही रहता है। आप सोच रहे होंगे मैंने मिटन्स क्यों पहना है, तो रीज़न ये है कि जब भी वो इतनी छोटी थी ना, तभी मुझे डर लगता था उसके नाखून काटने के लिए, तो मैं तभी क्या करती थी, मैं उसको मिटन्स पहना देती थी, बिकॉज़ मैं उसके नेल्स नहीं कट कर पाती थी। तो यूजुअली मैंने एक बार उसको मिटन्स नहीं डाले थे, उसने फेस पे स्क्रैच किया था और उसको ब्लीड, मतलब खून आया था, इधर लग गया था उसका नाखून, तो इसलिए तब से मैं उसको मिटन्स पहना रही हूँ। और ये 8 बजे उसका सेकेंड फीडिंग सेशन है अभी, तो अभी मैंने मॉर्निंग में 5:30 को कराया था और अभी वापस उसका फीडिंग सेशन है, तो ये फीडिंग सेशन चालू है विनीशा का, और वो करीबन कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 30, उनके मूड के ऊपर है। और अभी डायपर चेंज कर रही हूँ, सो डायपर्स हम लोग यूज़ करते हैं, पैम्पर्स के यूज़ करते हैं, और 4-4 घंटे में चेंज करती हूँ मैं डायपर्स, और डायपर्स सेफ़ रहता है। बस आपको क्या करना है, कॉटन बॉल्स यूज़ करना है, और 3 से 4 घंटे में अगर आप चेंज करोगे तो आपको रैशेस बिल्कुल नहीं आएंगे। और अभी मैं खाना खा रही हूँ, तो एक्चुअली मेरा सा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, मुझे जैसा भूख लगता है, जैसा टाइम मिलता है, मैं वैसे खा लेती हूँ। तो अभी मैं ऑमलेट और उसी के साथ साथ चपाती एंड भाजी दोनों खा रही हूँ मैं, तो मैं सुबह ही खा लेती हूँ, बिकॉज़ फिर बाद में मुझे काम करना रहता है, और नेक्स्ट भी मैं वापस खाने वाली हूँ 2 बजे, ऐसा नहीं खाऊंगी, मैं ज़्यादा ही बना के रखती हूँ खाना। और ये अभी 10 बजे वापस फीडिंग सेशन है विनीशा का। सो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू है और मैं मेरा काम अभी करने वाली हूँ। सो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, और आज मैं विनय को उठाना नहीं चाहती थी बिकॉज़ वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं और उनका वीक ऑफ था, सो आई जस्ट वॉन्टेड हिम टू रेस्ट टुडे, सो इसलिए मैंने उन्हें उठाया नहीं। बट आई एम श्योर दैट एज सून एज ही गेट्स अप वो मुझे एक चीज़ बोलने वाले, मुझे उठाना चाहिए था ना, बट यू नो लाइक समटाइम्स अच्छा लगता है कि आप जिनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो उन्हें भी रेस्ट देना चाहिए, भले ही वो आपको बहुत हेल्प करते हो। सो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो चालू होता है मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से और अभी तक, और अभी मैं पूरा टाइम अभी काम करने वाली हूँ, मतलब मैं एक साथ नहीं करने वाली हूँ, मुझे ब्रेक मिलता है बीच में, और उसी टाइम मेरा लंच हो जाएगा, फीडिंग सेशंस भी मेरे करते रहूँगी मैं, 3-3 4-4 जैसे विनीशा को चाहिए रहेगा मैं वैसे फीडिंग सेशंस करवाते रहूँगी। और आई होप आपको हमारा ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा हो, ये मैंने खुद से ही शूट किया है स्टैंड रख के, और डेफिनेटली अगर आपको हमारे सारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।